हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द नोवल आईटी। और गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एचपी का जो ऑफिस जेट प्रिंटर है गाइस, ये 8026 है। और आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं। फटाफट से आपको दिखता हूं अनबॉक्सिंग में क्या क्या आपको इक्विपमेंट मिल जाता है। सो गाइस, ये हमारे पास है प्रिंटर एचपी का जो है ऑफिस जेट प्रो 8026 है। देख पा रहे हैं गाइस यहाँ पे, और आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मैं। कंप्लीट न्यू है, ब्रांड न्यू है। चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ। गाइस फाइनली ये मैंने अनबॉक्स कर दिया, और ये हमारा प्रिंटर, और ये केबल वगैरह सब ऐसे ही इसमें निकल गया है, ठीक है। और बॉक्स में अदर कुछ है भी नहीं, ठीक है। फॉर्म में इसको जो है सही से पैकेजिंग किया हुआ है ताकि डैमेज ना हो। इसके साथ में आप देख सकते हैं, एक मेरे को USB केबल मिल जाता है और एक ये पावर केबल मिल जाता है। तो भाई साथ ही साथ में इसके बारे में थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो भाई इसमें क्या है, कॉपी भी कर सकते हैं आप, स्कैनिंग की फिजिबिलिटी मिल जाती है। एनवायरनमेंट कम से कम 10 मीटर्स तक आप थ्रो अगर दूर हो तो वहाँ से भी आप प्रिंट इसमें कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्किंग के भी साथ में मिलता है, मोबाइल प्रिंटिंग है इसमें। पेपर हैंडलिंग ऑटोमेटिकली गाइज, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्कैनिंग परफेक्ट होती है। भाई इसी के साथ मैं अगर बात करूँ तो इसका जो कार्टेज है वो इंकजेट रहता है, ठीक है। तो कार्टेज तो ज़्यादा मैक्सिमम आप नॉर्मली यूज़ कर पाओगे, जैसे कि आप सिंगल यूज़ करते हो तो डेली टू डेली क्या है ना, इस कलर प्रिंटर है तो आपको एक प्रिंट तो ले लेना कलर में, ताकि जो इंक जो है वो जाम ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए गाइस, तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं पावर से, और इसको ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अगर एप्पल का डिवाइस है आपको तो डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो, अदर आपके पास जैसे एप्पल का डिवाइस नहीं है नॉर्मल है तो उसके लिए आपको HP प्रिंट सर्विसेज करके या HP प्लगइन करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, तो आपको सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो गाइस ये कार्टेज इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कार्टेज जो है अभी इंस्टॉल है नहीं, इस बॉक्स में कार्टेज आया नहीं है, कार्टेज अपन ने अलग से मंगाया है, तो अभी इसको हाइड कर देंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी का फंक्शन और सारा आपको फंक्शन यहाँ मिल जाएगा। आप गाइस वायरलेस VPS के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हो। ये देखिए स्कैनिंग के लिए इस पर फ्लाइबैक भी स्कैन कर सकते हो, और फीडर पे भी, दोनों पे आपको स्कैनिंग का फिजिबिलिटी मिल जाता है। गाइस ये देखिए, अगर मैं ऑप्शन कर रहा हूँ यहाँ पे आपका कार्टेज जो है कार्टेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्टेज अभी है नहीं मेरे पास, तो कार्टेज के लिए अभी ब्लैंक छोड़ देंगे इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक के लिए बाय बाय।